अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने सोचा आज कुछ वीडियो का जो स्टार्ट थोड़ा सा फ्लावर्स, थोड़ा सा नेचर के साथ किया जाए। ये जी मेरे घर में दावत थी तो, लेकिन मैं बिल्कुल भी किसी किस्म की वीडियो नहीं थी कर सकी, क्योंकि मुझे था कि ये चीज़ें रेसिपीज जो सी हैं वो क्या आप शेयर करूँ, प्रॉपर तो होती ही नहीं। और वैसे भी मैं ऑलरेडी बिरयानी की भी, ग्रीन की भी बता चुकी हुई थी, लेकिन हाँ एक मैंने कढ़ाई नहीं जो बट कढ़ाई मैंने ट्राई की थी, जो आई थिंक लाहौर की है, जो सियालकोट में भी इसकी ब्रांच है। तो मैंने वो रेसिपी देखी, उसको मैंने मुबशर से देखी रेसिपी को, मैंने ट्राई किया और वो बहुत अच्छी बनी। सब ने बहुत तारीफ़ की, स्पेशली हस्बैंड की, उनकी तारीफ़ बहुत मैटर करती है। और उनके स्पेशल उनके लिए ही मैंने बनाई थी। मेरे देवर आ रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह इस एक डेढ़ माह में माशाल्लाह बहुत आफ़तें हुई हैं, अल्लाह की रहमतें आई हैं मेरे घर पे। और दूसरा अचानक भी एक गेस्ट आ गए थे, एक फैमिली मेरे हस्बैंड के। तो कहते ना, जिसका नसीब होता है वो उसको खींच के लाता है। तो जी शूट में कुछ भी नहीं थी कर सकी, कुछ भी मैंने नहीं किया। मुझे था जब मैं बना लूँगी तब दिखाऊँगी ये वो, लेकिन नीमू भी और मनाल और निमा तो एज़ यूजल आपको पता है वो मेरे एक्चुअली उनकी कुछ मेरे देवर के बच्चों से दोस्ती भी है, तो वो भी थी। और निमा ने मुसलसल मेरे मोबाइल पे कब्ज़ा किया हुआ था, गेम्स ये वो। सो बिल्कुल भी कुछ नहीं मैंने वीडियो किया, थक भी बहुत ज़्यादा बन गई थी। तो चले अब आपको मैं मज़ीद टाइम, ये देखें जी कितनी प्यारी बटरफ्लाइज़, आजकल बहुत प्यारी बटरफ्लाइज़ आई हुई हैं और बहुत प्यारे बर्ड्स भी न्यू, जो इनकी सुबह का टाइम ढूंढ किया ना, और इस टाइम दरमियान में भी शाम को भी बहुत अच्छी आवाज़ें आ रही होती हैं। मैंने अभी देखा तो लिविंग की जोन सी है ना, विंडो ओपन थी, जिसकी वजह से ना बहुत शोर आ रहा बाहर से, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मेरी साइड पे बल्कि बहुत ज़्यादा शुरू हुई है। साथ भी घर एक शुरू हो गया, अल्लाह ताला सबको रहना नसीब करे, और जिनके पास नहीं अल्लाह ताला सबको अपने घर दे। ये हर औरत का एक होता है ड्रीम, अपना घर। और थोड़ा सा गले की प्रॉब्लम हुई भी है, बीच में खून खून थोड़ा सा आपको ना सुनाई देगा। चलो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज़ यूजल मेरी बहुत और मैं हमें हर हवाती हर खातून की हर फीमेल की फेवरेट शॉपिंग बर्तन, मुझे तो बहुत पसंद है और मेरी जितनी फ्रेंड्स भी हैं उन सबको भी बहुत पसंद है। तो ये मैं लेकर आई हूँ, ये कॉपर में है। रेस्टोरेंट्स में अक्सर आप जाएँ तो हांडी शांडी दाल सब्ज़ी जो मंगवाएँ तो उनमें आती है। तो मेरे जो सर्वर क्रॉकरी सदर में शॉप है, आप उनके पास जाएँ जो सियालकोट में रहते हैं और मुझे देख रहे हैं, कुछ हैं सियालकोट की मेरे फ्रेंड्स भी, तो बड़ी अच्छी उनके पास होती है। और ये मैं दो लेकर आई हूँ, जो बड़ी वाली है ना, प्राइसेस ठीक ठाक अच्छी खासी थी, मुझे याद है प्राइसेस मैं भूल जाती हूँ। अच्छा जी, जो बड़ा साइज़ है ना, अच्छा खासा बड़ा साइज़ है मेरे, तो ये थी 2500 की। स्मॉल वाली जो सी थी वो 1200 की थी। और ये जो बड़ी है ना जो कुकिंग के लिए है, ये मुझे बहुत पसंद आई थी, जो मैंने उसने पिछले बार भी बताया था आपको, ये 2200 की है। इसका जो लिड स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा चले आज दावत है तो मैं इसी में थोड़ी सी कुकिंग करती हूँ और सर्व भी करूँगी इसमें। और मेरी देवरानी जो पहले आ गई थी मोहित के साथ, चाय वगैरह थोड़ा बहुत अरेंज किया। अच्छा, चाय के साथ सैंडविचेस थे, ये मशीन नहीं बनाए थे मैंने, बारबेक्यू स्पेगेटी बनाई हुई थी, मैक्रोनी दोनों मिक्स करके, फ्राइज थे। निमा बहुत शौक से खाती है फ्राइज, तो सब बच्चे ही खाते हैं, और साथ वो जो कैनन्स के फन नगर्स पे, इन तीनों के बहुत फेवरेट थे तो मैंने वो भी किया था। और ये जो क्लिपिंग आप देख रहे हैं ये मेरी देवरानी ने ही बनाई थी, उनके बताया ना मोबाइल बिल्कुल मुझे मिला नहीं था सॉरी। और खाना बहुत मज़े का लगा था सबको, बिरयानी भी बहुत अच्छी बनी थी, साथ दलीम थी, साथ मटन कढ़ाई थी, स्पेगेटीज थी, और कबाब मुझे उन्होंने फ्राई नहीं थे करने दिए, कि बहुत उनके चाय के साथ जो उनसे ना वो कह रहे थे काफ़ी पेट फुल हो गया हुआ है, तो फिर कबाब उन्होंने मुझे फ्राई नहीं थे करने दिए। तो ये जी मेरा देवर का बेटा अब्दुल मोईत, और ये देखें फुल इस वक्त मस्ती में है, ये देखें फुल मस्ती में है इस टाइम। और गेस्ट चले गए, और गेस्ट जाने के बाद भी मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए,
बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। इवन मुझे रात को ना फीवर हो गया था, तो सुबह मैंने मेड को भी बुला लिया था जल्दी कि जल्दी आ जाना, क्योंकि नॉर्मली तो वो 10 से 10 आती है, तो मैंने उसे कहा था कि आज तुम जल्दी आ जाना। तो साथ ही थोड़ा सा उसने भी कुछ बहुत हेल्प कर दी, बड़ी जो बर्तन थे वो मैंने रख दिए थे। तो बाकी ये बकाया जात मैं आपको दिखा रही हूँ जो सबसे ज़्यादा हॉरर है, क्योंकि इनको धोना भी एक काम है, इनको बाद में जो अरेंज करना है ना वो सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे। तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, डाइनिंग पे मैं ना ऐसे एक कवर बिछा देती हूँ, फिर बर्तन उसमें ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि किचन में अगर मैं करूँ तो बहुत बिखेरा हो जाता है किचन ऐसे बहुत ज़्यादा मुझे फिर। तो अभी फ़िलहाल काम हो रहे हैं और अभी काफ़ी चीज़ें आपको बिखरी हुई नज़र आएंगी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। स्पून्स वगैरह मैंने बाहर रखे हैं और ये जी यहाँ से फट गया है, इसको अब दोबारा से करेंगे। फ्रेम भी टूट गया है, अभी मैंने अपना रूम भी सेट नहीं किया, हस्बैंड मेरे लेट उठते हैं तो अभी बस उठे ही हैं, तो हम अपना रूम सेट कर लूँगी। और आज दावत के बाद सबसे मज़े का काम होता है कि आप कुछ कुकिंग नहीं करनी। तो अभी शाम का टाइम हो रहा था तो मैंने चाय बनाई अपनी और हस्बैंड के लिए, वो आ गए थे, और साथ आज सिर्फ घर पे मुझे तो बहुत पसंद आई मारी मेरी जो भी कह लें आपकी अपनी मर्ज़ी, क्योंकि आपके बिस्किट आपकी अपनी मर्ज़ी जो नाम ले लें इसका, हमें लास्ट टाइम ही मैंने बोला था ये। तो अभी हम चाय पीने लगे हैं, तो बिस्किट्स वगैरह सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ है, ग्रॉसरी वगैरह की काफ़ी चीज़ें लाने वाली हैं, तो उनको फिर अच्छा खा ली उन्होंने, बस ज़्यादा वो सुपर के शौक से खाते हैं। बस अब हम चाय पियेंगे, साथ अभी न्यूज़ लगी हुई है, और बस आज मेरा कुछ भी काम करने को दिल नहीं कर रहा, बहुत मेरा लेजी डे था, बस यही था कि अब आज थकावट मैं अपनी ना खत्म करूँगी। तो चले जी, ये इस बिस्किट की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये चाय में डिप करें तो ये चाय के अंदर नहीं जाता, आपके मुंह में जाएगा। और ये जो क्लिपिंग मेरी बाद में आ गई है, वैसा ये पहले की थी, मेरे पास क्रीम के पैकेट्स पड़े हुए थे, मैंने सोचा चलो थोड़ी सी एक स्वीट डिश बनाती हूँ, केले भी बहुत ज़्यादा आए हुए थे, तो बीच में जो ख़राब है उनको मैं साइड पे कर लूँगी, ये मुझे हेयर मास्क के काम आ जाएंगे। और ये दो छोटे पैकेट थे क्रीम की, यानी कि एक पैकेट लगा लें हम, बड़ा जो होता है उससे थोड़ा सा बड़ा था ये। तो इसमें मैंने आइसिंग शुगर ऐड की है, और इसमें मैंने केले ऐड किए थे, अंगूर और एप्पल भी था लेकिन मैंने ऐड नहीं था किया, उसकी जगह मैंने ग्रेप्स ऐड किए थे, और फिर साथ जितना भी सिरप है ना पाइनएप्पल का हाफ मैंने इसमें ऐड करके आइसिंग शुगर डाली थी, यानी कि घर की पीसी हुई चीनी होती है, और मैंने इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं था किया। हाँ, मैंने मारी बिस्किट और थोड़े से चॉकलेट वाले जो बिस्किट्स थे ना वो ऐड किए थे। मुझे जाना था एक्चुअली मैं अम्मी घर, तो बड़ी जल्दी जल्दी में मैंने इसको किया, पहले मैंने इसको सिर्फ बनाना स्प्रेड बनाया, तो मुझे लगा थोड़ा सा मैं चेंज कर देती हूँ, मैं दूसरे फ्रूट्स भी ऐड कर देती हूँ। फिर मैं इसको दोबारा बड़े बॉल में बनाया, और हाफ़ में मैं नारियल नमक लेके जा रही हूँ, और अभी देखो मैं दोबारा से इसको ना फिर चेंज किया मैं बनाया। बड़ी क्विक सी स्वीट डिश है, घर में कोई चाना खा जाए क्रीम हो, अगर इवन कॉकटेल भी आप सिर्फ कॉकटेल भी डाल दें तो ये बन जाती है। तो ये जी मेरा स्वीट डिश रेडी है बिल्कुल, ये मैं भेज रही हूँ कहीं, और ये मैंने मनाल के लिए ऊपर मैंने पाइनएप्पल गार्निश किया, और उसको वैसे मैंने छोटे क्यूब्स में करना चाहिए था, पता नहीं मोबाइल की रोशनी बहुत ब्राइट आ रही है इधर, लेकिन मैंने इसको एज इट इज़ ही रख दिया क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी जाने की। निमक का जैकी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मुझे। हैंड वॉश करने लाजमी। ओके, इससे सोने का टाइम कब है? नहीं, दिन में नहीं सोता बेटा, सुला दिया करो ना पप्पू। मानू छोड़ना नहीं, मानू। जी बस यहीं तक थी मेरी वीडियो, अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जी इनके जैकेट से तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।